हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो रंगों का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। और ये मैं पूरी स्वेटर बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से। इसका हर एक जो स्वेटर का वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी मैं आपको डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला डिजाइन बनाना सिखाएंगे कि ये वाला डिजाइन देखिए मैंने किस तरह से डाला हुआ है, बहुत ही प्रिटी बन रहा है। और ये स्वेटर मैं भी बहुत ही अलग तरीके से बना रही हूँ, आप जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये वाला डिजाइन। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने रखने हैं ऑड नंबर में फंदे, जैसे 3, 5, 7 इस तरह से फंदे रखने हैं। मैंने यहां पर लगाए हैं देखिए 11 स्टिचेस, 11 फंदे मैंने डाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको अच्छे से डिजाइन समझ में ये आएगा। तो देखिए पहली रो सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से क्या करेंगे, पहले देखिए पहली ही रो में हम यहां पर धागा चेंज करेंगे। पहला फंदा तो देखिए पहले हम स्लिप कर लेंगे, ऐसे ही स्लिप कर लिया और अब हम यहां पर धागा चेंज करेंगे। मैंने यहां पर दूसरे कलर का धागा ज्वाइन कर लिया है, आप जो भी कलर लगाना चाहते हो उस कलर का आप धागा ज्वाइन कर लीजिए। फिर देखिए इस तरह से पीछे ले जाएंगे हम धागे को, यूं पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट फंदा है उसके हम 1 के 3 फंदे बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे, पहला सीधा, पहले इसको सीधा बनाया, फिर धागे को इस तरह से घुमाएंगे और फिर इसको फिर से सीधा बना लेंगे। तो ये हमने बना लिए 1 से 3 फंदे। अब उसके बाद देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे, आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे और यही दो, एक शुरू का एक फंदा छोड़कर यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देख लीजिए 1 के 3 फंदे बनाएंगे, पहले एक बार सीधा बनाया, फिर धागे को घुमाया, फिर से इसको सीधा बनाएंगे। तो ये हमने बना लिए 1 से 3 फंदे और आगे वाले फंदे को स्लिप करेंगे। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है, 1 के 3 फंदे बनाने हैं, एक फंदा स्लिप करना है। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा डिजाइन है ये और प्यारा बहुत लगता है। आपको फुल जब लुक दूंगी मैं स्वेटर का तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से हमने बना लिया, लास्ट का फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। तो अब रो 2 पर आ जाइए, रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा तो स्लिप कर लिया जो फंदा हमने स्लिप किया था। अब देखिए अब ये वाला जो रेड कलर का धागा है वो हम पीछे की तरफ ले जाएंगे यूं। और अब ये जो 3 फंदे हैं, जो 1 से 3 फंदे बनाए थे, अब तीनों को हमने सीधा बनाना है पीछे की तरफ से। 3 का 1 अब हम करेंगे ये इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हम स्लिप ही यहां पर भी करेंगे। तो यही दो फंदे देखिए, एक फंदा छोटा, यही दो फंदे हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे हम देखिए बैक साइड से यूं पीछे की तरफ से इनको 3 का 1 करेंगे, सीधा बना लेंगे इस तरह से, 3 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप करेंगे। तो ये पूरी रो आप इसी तरह से ही कंप्लीट कर लीजिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है पूरी ये रो। लास्ट में देखिए एक फंदा बचेगा, इसको हमने स्लिप कर लेना है। तो ये दो, तो अब आ जाइए रो 3 पर। देखिए दो रो बनानी, आपको डिजाइन भी यहां पर दिख रहा होगा। अब रो 3 पे आ जाइए सीधी तरफ से। तो सीधी तरफ से रो 3 में देखिए क्या करेंगे हम, ये पूरी रो हम धागा चेंज करेंगे, यहां पर दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करेंगे और ये पूरी रो हम सीधी बना लेंगे इस तरह से। इस रो को हम सीधा बना करके कंप्लीट करेंगे। तो अब रो 4 पर आ जाइए रॉन्ग साइड से, 4th रो उल्टी तरफ से। तो इसमें पहला फंदा तो देखिए हम ऐसे ही उल्टा उतारेंगे क्योंकि ये उल्टी साइड है, फिर धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और अब इस पूरी रो को हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड है, रो 4 है, बट ये रो पूरी हम सीधी बनाएंगे। सिर्फ शुरू का फंदा हमने उल्टा बनाया और लास्ट का फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि उससे हमारे जो साइड के एजेस हैं वो फिर चेन जैसी बनती है, साइड से वो नीट बनते हैं। तो इस तरह से देखिए आप पूरी ये सीधी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए 4 रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन यहां पर ये ओवर हो जाता है। अब देखिए यही 4 रो हम बनाते जाएंगे और हमारा ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न फिर बनता जाएगा। इस तरह से फिर आपका डिजाइन बनेगा ये। तो आई होप आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही 4 रो आपने रिपीट करते जाना है।